शनाया अपने कमरे में बैठ फोन चला रही थी कि उसकी नजर मर्सिडीज में घूम रही उसकी कजिन पर पड़ी और वो कहने लगी, यार इनके मजे हैं, काश मुझे भी कभी इतनी महंगी और लग्जूरियस कार में घूमने का मौका मिलता। शनाया इतना कह ही रही थी कि तभी उसकी नजर ऑफिस के लिए जा रहे आहान पर पड़ती है, जिसे देख वो कहने लगती है, पर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, न जाने क्या सोचकर मेरे पापा ने मेरी शादी इस 9 to 5 जॉब करने वाले आहान से कर दी, और मेरी फूटी किस्मत कि मैंने उस दिन अपने पापा की बातों में आकर शादी के लिए हाँ भी कर दिया। ये सुनकर आहान को बहुत बुरा लगा और वो वहीं खड़ा रहकर कुछ सोचता रहा और फिर तुरंत ऑफिस के लिए निकल गया। आहान रायजादा, ऐसा वजनदार नाम मानो इंडिया के टॉप बिजनेस फैमिलीज में से किसी एक का वारिस हो, मगर हम जिस आहान रायजादा की बात कर रहे हैं उसके कतरे कतरे से बेबसी झांक रही है। आहान एक करोड़पति बिजनेस फैमिली का दामाद तो जरूर है, मगर उसकी हालत पर घर के नौकर भी कहते थे, कुछ पैसे चाहिए तो बता देना, तुम्हारी गरीबी देखी नहीं जाती। आहान ऑफिस की जगह कार के शोरूम पहुंच जाता है। मुझे इस शोरूम की सबसे महंगी कार बेंज दिखाओ। क्या भाई मजाक कर रहे हो, तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम साइकिल भी इंस्टॉलमेंट पर लोगे, पता भी है कैसी दिखती है बेंज। ये लो मेरा कार्ड और वो कार तुरंत इस पते पर भेज दो। इतना सुनकर उस सेल्समैन के हाव भाव बदलने लगे और वो आहान को नजर उठाकर पूरी तरह से एक बार देखता है, और जैसे उसने कार्ड स्वाइप करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उसकी नजर उस कार्ड पर लिखे उस नाम पर पड़ी, जिसे देखकर वो पूरी तरह पसीने में भीग गया और कांपती आवाज में कहने लगा, आहान सर, सर आप यहाँ? तो आखिर पहचान ही गए तुम मुझे। हाँ, मैं ही हूँ आहान सिंह रायजादा, रायजादा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक। और इतना कहकर आहान वहाँ से चला जाता है। आखिर कौन था ये आहान सिंह रायजादा और क्यों वो इतनी सिंपल जिंदगी जी रहा था? क्या होगा जब शनाया को पता चलेगा आहान की सच्चाई का? आखिर क्यों करवाई शनाया के पापा ने आहान से उसकी शादी, और क्या वो जानते थे आहान की सच्चाई? खैर, इन सवालों के जवाब आगे मिलेंगे आपको। कार के शोरूम से आहान जैसे ही ऑफिस पहुंचा तो उसने मोबाइल स्क्रीन पर देखा तो शगुन का फोन था। उसे देखते ही आहान के सारे सपने छू मंतर हो गए। शगुन आहान की बीवी शनाया की कजिन थी, जो हमेशा ही आहान को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। मोबाइल की तरफ देखकर आहान ने बुरा सा मुंह बनाया और फिर कुछ सोचकर फोन उठा लिया। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या बात है जीजा जी, फोन नहीं उठा रहे आप? नहीं शगुन, मैं। तभी शगुन उसकी बात काटते हुए बोली, खैर वो सब छोड़ो, मेरा एक काम है, साहू ज्वेलर्स पर मेरा एक नेकलेस पड़ा हुआ है, मैंने उसके मालिक को फोन कर दिया है, वो नेकलेस लेकर आप प्लीज मेरे घर पर आ जाइए। और हाँ। तभी आहान बीच में ही बोल पड़ा, शगुन मुझे बैंक जाना है और मैं। तभी शगुन ने कहा, मेरे प्यारे जीजा जी, ये बैंक जाने का तेवर आप किसको दिखा रहे हैं? पलना तो आपको हमारे टुकड़ों पर ही है, इसीलिए ये बहाना बनाना छोड़िए और एक घंटे के अंदर मेरा नेकलेस लाकर मुझे दीजिए। और हाँ, वो ज्वेलर आपको 30,000 रुपए भी देगा, उसमें से एक पैसा भी गायब नहीं होना चाहिए। तभी आहान थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, देखो शगुन, एक तो मैंने आज तक कभी चोरी की नहीं है, और दूसरी बात ये कि अगर इतना ही मुझ पर डाउट है तो ये काम किसी नौकर को भेजकर क्यों नहीं करवा लेती? इस पर शगुन की तंज भरी आवाज आई, प्यारे जीजा जी, आप ये बात कब समझेंगे कि इस घर में आपको बहस करने की इजाजत नहीं है, इसीलिए जितना आपसे कहा जा रहा है उतना कीजिए। और मैं फिर से आपसे कह रही हूँ कि उस पैसे में से एक भी रुपया कम नहीं होना चाहिए, ये चीजें आप एक घंटे के अंदर लेकर मेरे घर पहुँच जाइए, बाय। इतना कहकर शगुन ने फोन काट दिया। आहान अपने मोबाइल को इस तरह घूरकर देखने लगा जैसे वो दुनिया की सबसे मनहूस चीज हो। खैर, ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेकर आहान ज्वेलर के यहाँ गया और फिर शगुन का नेकलेस लेकर वापस घर आ गया। लेकिन यहाँ तो आहान के लिए एक नई मुसीबत इंतजार कर रही थी। वो जैसे ही घर में घुसा, उसने सामने देखा तो उसकी सास यामिनी गिल अपनी कुछ सहेलियों के साथ रम्मी पार्टी में व्यस्त थी। तभी यामिनी जी की एक सहेली ने अपनी सैंडल की तरफ देखकर कहा, देखो ना यामिनी, आज तुम्हारे यहाँ आते वक्त मेरी सैंडल का स्ट्रिप टूट गया, अब मैं घर वापस कैसे जाऊंगी? इस पर यामिनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसमें टेंशन लेने की क्या बात है, तू पार्टी एंजॉय कर, मैं किसी सर्वेंट से बोलकर सही करवा देती हूँ। जवाब में यामिनी की सहेली ने बुरा सा मुंह बनाया और कहा, अरे नहीं, मेरी बहुत महंगी सैंडल है, मैं किसी नौकर पर भरोसा नहीं कर सकती, वैसे भी मैं टूटी सैंडल दोबारा नहीं पहनती, पर क्या करूं, घर तो जाना ही है, मेरी मजबूरी है यामिनी। जवाब में यामिनी जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे नौकर नहीं, बस नौकर से थोड़ा ऊपर है, वो तेरा काम अच्छे से करवा देगा, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आहान उस तरफ से निकला ही था जब यामिनी जी की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने आहान को पुकारा, आहान ने जैसे ही यामिनी की आवाज़ सुनी वो ठिठक गया, वो समझ गया कि अब कोई न कोई नया बवाल होने वाला है। अरे सुनो आहान,
इनकी सैंडल सही करवा के लाना जरा। और हाँ, थोड़ा जल्दी आना, इन्हें निकलना है, समझ गए ना? यामिनी, ये काम दामाद से कह रही हो? ये अच्छा नहीं लग रहा है, बुरा मत मानना। हाँ, इतना सुनते ही यामिनी का गुस्सा सातवें आसमान पर था, लेकिन उसने खुद को काबू में कर लिया और उनकी बात बीच में काट कर बोल पड़ी। अरे तुम लोग टेंशन मत लो, ऐसे कामों में इनको बहुत मजा आता है। किसी के भी पास कोई भी काम हो तो बता देना। दामाद है तो क्या हुआ, अब टूटी चप्पलें भी नहीं बनवाएगा तो क्या करेगा? वैसे भी कुछ करता धरता तो है नहीं। यामिनी जी की ये बात सीधा अहान के दिल पर आकर लगी, मगर अब उसे ये सब हमेशा ही सुनने की आदत सी हो गई थी। उसे याद था कि आज उसका बर्थडे है, मगर ये सिर्फ उसे ही याद था, बाकी किसी को भी इससे कोई मतलब नहीं था। तभी अहान ने यामिनी जी से कहना चाहा, मगर अभी मैं शगुन के काम से। अहान अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि यामिनी जी ने आंखें दिखाते हुए कहा, बहस नहीं, जल्दी से काम खत्म करके आओ, जुबान ज्यादा चलने लगी है तुम्हारी। वो दामाद हो तो थोड़ी इज्जत दे रही हूँ, भिखारी कहीं का। पता नहीं शिनाया भी अपने नसीब में क्या लिखवा कर आई है जो उसे ऐसा निठल्ला पति मिला है। यामिनी जी ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, उनकी सहेली ने अहान को उसकी टूटी हुई सैंडल की स्ट्रिप दिखाकर कहा, बस ये वाली सही करवा के लाना, और देखना अच्छी दुकान पर जाना, बहुत महंगी है ये सैंडल, समझ गए ना? इतना कहते हुए उसने अहान का हाथ उठाकर सैंडल उसके हाथ में पकड़ा दी। अहान सर झुकाए उस सैंडल की तरफ देखने लगा, ना चाहते हुए भी अहान को ये काम करना पड़ रहा था। उसे जाते देख यामिनी की बाकी दो सहेलियों ने भी अपने अपने काम पकड़ा दिए। अहान सबकी बातें सुनता रहा और फिर सामने लगी शनाया की तस्वीर देखकर मन में ही बोला, इतनी बेइज्जती के बाद भी अगर मैं इस घर में टिका हुआ हूँ तो सिर्फ इसलिए शनाया, क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहता, आई लव यू, लेकिन ये सब भी अब ज्यादा दिन नहीं चलने दूंगा मैं। इतना कहकर अहान बाहर आ गया। वो अपनी बाइक लेकर निकला ही था कि तभी रास्ते में उसके मोबाइल पर उसकी बीवी शनाया का मैसेज आया। अच्छा सुनो, क्या आप आज मेरे ऑफिस आ सकते हैं, कुछ काम था अर्जेंट। ये मैसेज पढ़ते ही अहान के होठों पर एक स्माइल आ गई और उसकी पूरे दिन की टेंशन जैसे गायब ही हो गई। आज पहली बार शनाया ने उसे ऑफिस बुलाया था, एक वही तो थी उसकी जिंदगी में जिसकी मुस्कुराहट देखकर वो खुद को जिंदा रखता था। शनाया का चेहरा देखे बिना अहान को चैन नहीं आता था, और उसके बस में होता तो शनाया की हर एक खुशी के लिए खुद को लाखों बार कुर्बान कर देता। मैसेज पढ़ते हुए अहान मुस्कुरा कर बोला, आज पहली बार आपने मुझे ऑफिस बुलाया शनाया, मुझे पता था मेरा बर्थडे किसी और को याद हो ना हो, मगर आपको जरूर याद होगा, इसलिए आपने मुझे बुलाया है, मैं भी बड़ी बेसब्री से आपके सरप्राइज का वेट कर रहा हूँ। इतना कहकर अहान ने बाइक स्टार्ट की और अब गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में अहान को एक फूलों की दुकान दिखी, कुछ सोचकर उसने बाइक रोकी और अपना पर्स निकाल कर देखने लगा, उसमें सिर्फ 500 का एक नोट पड़ा हुआ था। उस नोट की तरफ देखते हुए अहान ने कहा, ओह, दो ही जोड़ी कपड़े हैं मेरे पास, बैंक जाने के लिए इन्हीं पैसों से मुझे नए कपड़े लेने थे, पर कोई बात नहीं, शनाया से बढ़कर कुछ भी नहीं, उसके लिए कुछ अच्छे फूल ले लेता हूँ, शनाया खुश हो जाएगी। और फिर उस पैसे से अहान ने शनाया के लिए फूलों का वो बुके ले लिया। जैसे ही अहान वापस मुड़ा तो उसे शगुन का काम और अपनी सास के दिए हुए काम याद आ गए। उसने एक नजर घूर कर उस सैंडल की तरफ देखा और कहा, माफ करना डियर आंटी एंड सासू माँ, आपके चरणों को प्रणाम, मगर शनाया से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं, थोड़ा सा सुनी लेंगे आपसे। इतना कहकर अहान ने वो सैंडल उठाया और पास की झाड़ियों में फेंक दिया। आज वो पहली बार गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस जा रहा था जो कंपनी गिल खानदान की थी। ये सोचकर आज वो फूला नहीं समा रहा था कि आज वहाँ उसका अच्छे से स्वागत होगा। वहाँ पहुँचते ही अहान तेजी से ऑफिस के अंदर की तरफ बढ़ा ही था कि तभी सामने से आ रहे एक आदमी से अहान टकरा गया, जिससे अहान के हाथों में मौजूद बुके नीचे गिर गया। वो व्यक्ति देखने में काफी अमीर लग रहा था, जिसके जिस्म पर नीला सूट और आंखों पर काला चश्मा चढ़ा हुआ था। उसका नाम देव मल्होत्रा था और वो शनाया का क्लाइंट था जो अभी अभी शनाया के केबिन से बाहर निकला था। वो अहान पर चिल्लाते हुए बोला, यू इडियट, दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें? पता नहीं कहां कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं, इस ऑफिस के अंदर तुम्हारे खड़े होने की औकात भी नहीं है, और टहल ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारी खाला का घर हो, कौन हो तुम? शायद मल्होत्रा ने भी उसके बदरंग कपड़ों से उसे नौकर या ऑफिस बॉय ही समझ लिया था। मल्होत्रा ने एक नजर नीचे पड़े बुके की तरफ देखा और फिर उसे अपने पैरों तले कुचल के बाहर निकल गया। अहान ने अपना सर झुकाए उस बुके की तरफ देखा जो पैरों से कुचला जा चुका था। उधर शनाया अपने केबिन के शीशे के अंदर से ये नजारा देख रही थी, आंखों में आंसू लिए शनाया बस अहान को देखे जा रही थी। देव मल्होत्रा वहां से जा चुका था और तभी अहान की नजर शनाया पर पड़ी तो एक पल के लिए वो अपनी बेइज्जती भूल गया। वो शनाया की तरफ देखकर खुद से ही बोला, कितना प्यार करती हो ना आप मुझसे,
मेरे साथ हुए इस बर्ताव ने आपकी आंखों में आंसू ला दिए। कोई नहीं शनाया, ये वक्त बदल जाएगा, देखना तुम। मन ही मन वो सोचते हुए शनाया के केबिन में दाखिल हो गया। शनाया ने आगे बढ़कर शीशे के पास लगे पर्दों को गिरा दिया। वो शनाया की तरफ बढ़ा और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, अब जाने भी दो ना शनाया, जो भी हुआ मेरे साथ हुआ और इसमें आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो बीत गई वो बात गई। आहन के इतना कहते ही शनाया का गुस्सा भड़क गया। वो चीखते हुए बोली, दूर हटिए मुझसे, आप चले क्यों नहीं जाते मेरी जिंदगी से, नर्क बना रखी है आपने मेरी जिंदगी। आहन को एकदम से झटका सा लगा। वो शनाया से ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो खुले मुंह से शनाया की तरफ देखता रह गया। तभी शनाया आगे बोली, पति नहीं, मेरे पापों की सजा है आप मेरे लिए। आखिर चाहते क्या हो आप? पापा ने मेरी शादी आपसे जबरदस्ती करवाई है और उस गलती की सजा मुझे अब तक मिल रही है। आप मेरे काबिल कभी नहीं थे और आज भी मुझे आपको अपना पति मानते हुए शर्म आती है। आज ड्राइवर नहीं था इसीलिए मैंने आपको बुलाया था, मगर मुझे नहीं पता था कि मेरा पति इस काम के लायक भी नहीं है। यहाँ आकर आपने मेरे इतने पुराने क्लाइंट मिस्टर मल्होत्रा को नाराज कर दिया। शनाया की आंखों में आंसू थे। वो आहान के सीने पर मुक्का मारते हुए बोली, जहाँ भी जाती हूँ आप हमेशा बेइज्जती के सिवा मुझे कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ एक बदनुमा धब्बा बनकर रह गए हो आप मेरी जिंदगी पर। इतना कहकर शनाया केबिन के बाहर निकल गई। आहान उसके पीछे दौड़ा। तभी रास्ते में पड़े बुके की तरफ देखकर शनाया ने कहा, और ये सब क्या है, क्यों इतनी गंदगी फैला रखी है यहाँ पर, इसे डस्टबिन में डालो। शनाया ने एक नौकर से कहा और उस फूल को अपने पैरों से कुचलते हुए आगे बढ़ गई। मल्होत्रा अपनी कार में बैठा पहले से ही शनाया का इंतजार कर रहा था। फिर आहान के सामने ही शनाया अपने क्लाइंट मल्होत्रा के कार में बैठी और बिजनेस के सिलसिले में वहां से जा चुकी थी। आहान ने एक नज़र अपनी बाइक की तरफ देखा, वही खटारा बाइक जो अब आहान के जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। आंखों में आंसू लिए आहान खुद से ही बोला, कोई बात नहीं शनाया, मुझे पता है आप गलत नहीं हो, बस मेरे हालात गलत है, मगर मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन आप मुझे जरूर समझोगी। मैं आपको दुनिया की सारी खुशियां ला कर दूंगा, आप सिर्फ मेरी हो और इस बात का एहसास आपको होगा। आहान भी वहां से अपनी खटारा बाइक पर शहर की सड़कें नापने निकल गया। रात काफी हो गई थी, वो दुखी था। तभी अचानक ही आहान का मोबाइल बज उठा। उसने स्क्रीन पर देखा तो यामिनी जी का फोन था। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, कहाँ रह गए थे तुम, तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से मेरी सहेलियों के सामने कितनी बेइज्जती हुई है, और ऊपर से तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था, फिर मुझे वापस अपने घर आना पड़ा, कहाँ थे इतनी देर तक। आहान का एक तो आज बर्थडे था, ऊपर से आज उसे सारे दिन उसके ससुराल में बेइज्जत किया जा रहा था, उसे थोड़ी सी पी रखी थी। यामिनी जी का सवाल सुनकर आहान ने थोड़ा लड़खड़ाती जुबान में कहा, माँ जी वो मैं शनाया को लेने चला गया था, उसका फोन फोन दो से, उसका फोन भी नहीं लग रहा। इतना सुनते ही आहान का सारा नशा गायब हो गया। वो चौंक कर अपनी सास यामिनी जी से बोला, मगर शनाया मेरे साथ यहाँ नहीं आई। पर अभी तो तुमने कहा कि तुम उसे लेने गए थे। हाँ, मगर वो अपने किसी क्लाइंट के साथ चली गई थी। आहान का इतना ही कहना था कि तभी यामिनी जी उस पर चिल्लाते हुए बोली, रात होने को आई है और तुम कह रहे हो कि शनाया अपने किसी क्लाइंट के साथ है, जरूर तुम ही ने कुछ गड़बड़ की होगी इसीलिए वो तुम्हारे साथ नहीं आई। अरे एक अच्छे दामाद तो तुम बन ना सके, अब कम से कम अच्छे पति तो बन जाते। ढूंढो उसे जाकर, कहाँ है वो, और मुझे एक घंटे के अंदर शनाया घर में चाहिए। इतना कहकर यामिनी जी ने फोन काट दिया। आहान ने शनाया का नंबर डायल किया तो वो नहीं लग रहा था। अब सच में उसे शनाया की फिक्र होने लगी। आहान के बारे में भले ही मल्होत्रा को नहीं पता था, मगर आहान देव मल्होत्रा के बारे में कई बार शनाया के मुंह से सुन चुका था कि मल्होत्रा उसका पुराना क्लाइंट है और उसका एक नाइट क्लब भी है। आहान ने क्लब के सामने ले जाकर अपनी बाइक रोक दी और फिर अंदर दाखिल हो गया। अंदर बेहद ही शोर शराबा था और लोग शराब पीकर नाच रहे थे। आहान ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई मगर शनाया उसे कहीं भी नजर नहीं आई। कुछ सोचते हुए आहान क्लब के मैनेजर की तरफ बढ़ा ही था कि तभी बगल के कमरे से उसे शनाया की आवाज़ सुनाई दी। आहान ने एक झटके से दरवाजा खोला तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आहान को वहां देखते ही देव उस पर चिल्लाया, तुम क्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। क्या देखा आहान ने कमरे के अंदर जिसने उसके होश उड़ा दिए। क्या कमरे के अंदर देव के साथ शनाया ही थी। ऐसा क्या देख लिया आहान ने कि देव गुस्से से पागल हो गया। अब क्या करेगा आहान, जाने इन सब सवालों के जवाब। अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुने इसका बेस्ट ऑडियो शो सीक्रेट अमीरजादा।